बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। और आज जो हमारा हिस्ट्री क्लास के अंदर जो टॉपिक है वो है डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू द इंडियंस, एक्ट ऑफ 1861, 1892, 1909 एंड 1919। यानी हम आज ये देखने जा रहे हैं हिस्ट्री के अंदर कि भाई ये जो पावर जो है या जो ताकत है किस तरह से वो नीचे तकसीम की गई इंडियंस को, और कौन कौन से एक्ट्स के थ्रू जो है वो तकसीम की गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि अगर हम ये समझें कि एक्ट जो है ये किसको कहते हैं, तो एक्ट एक ऐसे कानून को कहते हैं जो कि असेंबली पास करती है, या पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं। जब पार्लियामेंट जो है कोई कानून पास करे तो उसको कहा जाता है ये एक्ट है। इसी तरह से जब अगर पार्लियामेंट पास ना करे तो फिर कौन पास कर सकता है, तो फिर जो है वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेजिडेंट, वो जिस भी कंट्री की अथॉरिटी होगी नॉर्मली जो है वो प्रेजिडेंट जो है वो पास करता है। तो जब प्रेसिडेंट पास करेगा तो उसको हम कहेंगे ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो जो सदर पास करेगा उसको ऑर्डिनेंस कहेंगे, और जो पार्लियामेंट पास करेगी तो उसको हम एक्ट कहेंगे। तो ये जो हम जिनको स्टडी करने जा रहे हैं ये वो एक्ट हैं जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है, ठीक है जी, वो पास किए हिंदुस्तानियों के लिए। क्यों पास किए? क्योंकि हिंदुस्तानियों को वो चाहते थे कि वो आहिस्ता आहिस्ता साथ जो है इकतदार का हिस्सा बने और इकतदार उनके साथ शामिल हों। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहला हमारे पास एक्ट आता है 1861 का। अब ये एक्ट क्यों पास किया गया, या इन सब एक्ट्स के पीछे एक ही तरह की सोच जो है वो हमें नज़र आती है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट सोच जो है वो ब्रिटिशर्स की क्या थी कि अगर हम हिंदुस्तानियों को शामिल नहीं करेंगे इक्तदार के अंदर तो क्या होगा, यानी हम हिंदुस्तानी को हुकूमत का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो दोबारा से जो है वो एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो सकती है 1857 की तरह की। क्योंकि जब 1857 की वॉर जो हुई, जिसको रिवॉल्ट का नाम दिया अंग्रेज़ों ने, तो उसको जब कॉजेस का पता चलाया गया तो पता ये चला कि कॉज क्या था उसके पीछे, कि इंडियंस जो थे उनको क्या हुआ, उनको राइट्स नहीं दिए गए या उनको हुकूमत के अंदर हिस्सा नहीं दिया गया, जिस वजह से जो है इंडियंस ने क्या किया, रिवॉल्ट कर दिया, बगावत की, ऐसे ही है। तो अब उन्होंने ये फैसला किया, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि हमने क्या करना है, हमने इंडियंस को भी जो है चाहे आटे में नमक के बराबर ही सही, हमने क्या करना है, उनको हिस्सा देना है। अगर हम उनको हिस्सेदार बनाएंगे तो क्या होगा कि वो जो उनके बड़े बड़े लीडर्स हैं, इंडियंस के जो लीडर्स हैं, वो तो अपने फायदे लेते रहेंगे असेंबलीज के अंदर बैठ के या फैसले करते रहेंगे, तो वो आवाम को उकसाएंगे नहीं कि भाई आप जो है ब्रिटिश राज के खिलाफ खड़े हो जाएं। तो ये सबसे बड़ा पर्पज़ रहा। अब सबसे पहले 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो है फर्स्ट एक्ट जो पास किया गया वो था 1861 का एक्ट, ठीक है जी, यानी कि 1861 का जो कानून था ये पास हुआ। इस कानून के तहत क्या किया गया जी, कि सबसे पहले तो एक तो थोड़ा सा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो लाया गया इंडियंस के अंदर, यानी कि जो जमहूरी निज़ाम था उसको थोड़ा सा प्रमोट किया गया, और जो कानून साज कौंसिल थी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कौंसिल जो थी, उस एडमिनिस्ट्रेटिव कौंसिल के अंदर क्या किया गया कि हिंदुस्तानियों को भी नुमाइंदगी दी गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, बहुत ही कम दी गई लेकिन हिंदुस्तानियों को नुमाइंदगी दी गई, और कानून साज जितनी भी कौंसिलें थी उसके अंदर जो है वो इजाफा किया गया हिंदुस्तानियों का, ताकि हिंदुस्तानी जब यहाँ पे इसमें शामिल होंगे तो वो दोबारा से हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होंगे। इसी तरह से जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को इख्तियार दिया गया कि वो अपनी तरफ से, यानी पहले तो सारे के सारे जो इख्तियारात ब्रिटिश गवर्नमेंट इशू करती थी, अब गवर्नर जनरल को ये कहा गया कि भाई आपको इख्तियार है कि आप जो है इसको KPK के अंदर, यानी उस टाइम के शुमाल मगरबी सरहदी सूबा और पंजाब के अंदर जो है आप ये कानून ला सकते हैं, वहाँ पर भी इस एक्ट को लागू कर सकते हैं ताकि वहाँ पर भी आवाम जो है हुकूमत के साथ शामिल हो। यानी कि इसकी पर्पज़ क्या था 1861 के एक्ट का, कि किसी तरह से जो है वो कानून साज इदारों के अंदर, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर जो है वो हिंदुस्तानियों की अक्सरियत को बढ़ाया जाए ताकि वो दोबारा से खड़े ना हो सके हुकूमत के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट एक्ट जो पास किया गया वो था 1892 का, ये सेकंड एक्ट था, और ये यानी कि 1861 के बाद तकरीबन कोई आप कह लें 30 साल के बाद जो है एक और एक्ट पास किया गया। पहले इसी के थ्रू काम चला लेकिन जब देखा कि अब हिंदुस्तानी जो है मजीद, हिंदुस्तानी जो लीडर्स हैं वो मजीद जो है वो डिमांड्स कर रहे हैं कि उनको जो है वो थोड़ा सा सेल्फ रूल मजीद दिया जाए, तो उन्होंने क्या किया, एक और एक्ट पास किया और उसमें मजीद जो है नुमाइंदगी दी, और ख़ास करके जो प्रोविंसेस थे यानी कि जो सूबे थे प्रोविंसेस को भी साथ में शामिल किया गया कि वहाँ पे भी नुमाइंदगी जो है वो बढ़ाई जाए, और मरकज़ में तो दिया ही गया। साथ में इम्पॉर्टेंट काम क्या किया गया कि जो फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर भी इंडियंस को या असम्बलियों को कुछ ना कुछ इख्तियार दिया गया जो कि इससे पहले मौजूद नहीं था। यानी पैसे के जितने मामलात थे वो सारे के सारे पहले गवर्नर जनरल या बरतानवी हुकूमत तय करती, तो अब किसी ना किसी तरह से थोड़ा बहुत इख्तियार जो है वो सूबों या मरकज़ के अंदर जो हुकूमत थी उसको भी दिया गया। तो ये एक जो है पॉजिटिव चेंज रहा 1992 के एक्ट के थ्रू, और वोटर सिस्टम जो है यानी कि इलेक्शन सिस्टम जो है उसको भी इसके थ्रू बेहतर करने की कोशिश की गई।
नेक्स्ट हमारे पास जो एक्ट आता है वो है 1909 का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है 1909 का, ठीक है जी। इसको मंटो मार्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, ठीक है जी। अब मंटो क्या थे जी? मंटो इस टाइम के जो है वो यहाँ के वायसराय थे, और जो मार्ले थे वो हिंदुस्तान के वज़ीर थे, ठीक है जी। तो इन दोनों को मिला के ये हिंदुस्तान के वज़ीर हो गए। तो इससे क्या हुआ कि इन दोनों को मिला के कहा जाता है मंटो मार्ले, ठीक है जी। मंटो मार्ले रिफॉर्म्स भी इसको कहा जाता है 1909 के एक्ट को। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए था, खास करके मुसलमानों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। क्यों मुसलमानों के लिए इंपॉर्टेंट रहा? क्योंकि मुसलमान जो है जिन्होंने ये मुतालबा कर रहे थे, जो 1906 के अंदर जो है वो शिमला में जाके उन्होंने मुलाकात भी की थी, और मुलाकात में क्या कहा था कि भाई हमें जो है वो जुदागाना इंतखाब का हक दिया जाए। तो ये जो जुदागाना इंतखाब की हक की बात की गई वो 1906 में की गई। तो उस टाइम पे वायसराय ने यकीन दिलाया था कि वो इनकी बात मानेगा, यानी लॉर्ड मंटो ने। तो अब क्या हुआ कि 1909 में ये बात मान ली गई। तो ये फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान के अंदर हुआ, तारीख के अंदर, कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब का हक दिया गया और उनको नुमाइंदगी दी गई सेपरेटली। ये बहुत बड़ी बात थी मुसलमानों के लिए, इसलिए ये एक्ट जो है इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्ट माना जाता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। और इसी एक्ट के थ्रू जो है वो इंडियंस को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी गई एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के अंदर भी। और मिस्टर एस पी सिन्हा माने जाते हैं कि वो पहले बंदे थे जिनको जो है वो हिंदुस्तानी जो थे इनको इंतजामी काउंसिल के अंदर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल थी उसके अंदर नुमाइंदगी दी गई फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट एक्ट आता है वो है 1919 का एक्ट, यानी कि 1919 का जो एक्ट था इसके थ्रू जो है वो मज़ीद जो है रिफॉर्म्स लाई गई। अब 1919 के एक्ट को क्या कहा जाता है जी? इसको नॉर्मली कहा जाता है मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है जी। अब ये मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहाँ पर था कि एक जो है वो वायसराय था और दूसरा जो है वो क्या था जी? वो वज़ीर था हिंदुस्तान का, ठीक है जी, हिंदुस्तान के उमूर का वज़ीर था। तो इन दोनों ने मिलके जो है वो रिफॉर्म्स लाई, और इस ये रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं क्योंकि इस रिफॉर्म के थ्रू फर्स्ट टाइम जो है वो दो ऐवानी मुकन्ना लाई गई, यानी कि पार्लियामेंट जो थी उस पार्लियामेंट के दो घर जो है वो रखे गए, जैसे आजकल होता है एक सेनेट है और एक नेशनल असेंबली है, बिल्कुल दो ऐवानी मुकन्ना लाई गई, ठीक है जी। और दूसरा जो है डायार्ची सिस्टम लाया गया। अब ये जो डायार्ची सिस्टम था ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस डायार्ची सिस्टम के थ्रू क्या हुआ, यानी कि जो सूबे थे उनको जो है वो मज़ीद इख्तियारात दिए गए निचली सतह पर। ये जो सूबों को इख्तियारात दिए गए, और सूबों के अंदर भी दो तरह का निज़ाम चलाया गया, जैसे मरकज़ के अंदर दो तरह का निज़ाम था। कैसे दो तरह का निज़ाम था कि मरकज़ के अंदर एक तो दो ऐवानी मुकन्ना तो बनाई ही गई, लेकिन दूसरा क्या किया गया कि एक ऐसी कौंसिल बनाई गई कि या ऐसे मेंबरान थे जो डायरेक्ट इलेक्ट होके आते, और दूसरे वो थे जो नामजद किए जाते गवर्नर जनरल की तरफ से। तो ये दो अलग अलग लोग थे। वैसे ही सूबों के अंदर एक वो होते जो सूबाई गवर्नर जो है वो चुनता, और दूसरे वो होते जो सूबाई असम्बली चुनती। तो इस तरह से दो अलग अलग निज़ाम चल रहे थे, एक वो होते जो गवर्नर जनरल का काम सर अंजाम देते सूबों के अंदर, दूसरे वो होते जो अपने सूबे की बेहतरी के लिए वहीं जो है वो प्रोविंस का ही काम करते। तो इस तरह से ये जो डायार्ची सिस्टम था फर्स्ट टाइम 1919 के एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाया गया इंडिया के अंदर, और ये बहुत ही पावरफुल एक्ट रहा क्योंकि इसने जो है हकीकत में इंडियंस को किसी न किसी लेवल पर जो है वो एम्पावर किया, और वोट के इस्तेमाल को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए जो है वो आगे बढ़ाया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1935 का एक्ट आया इंडियन एक्ट, और उस एक्ट में जो है ना वो ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था, जिसमें फिर इसी एक्ट के थ्रू जो है 1937 के अंदर इलेक्शंस भी करवाए गए इंडिया के अंदर। तो ये जो चार इंपॉर्टेंट एक्ट्स थे जिसका हमने जिक्र किया, और ये वो एक्ट्स थे जिनके थ्रू जो है वो हिंदुस्तानियों को नुमाइंदगी दी गई कानून साज कौंसलों के अंदर स्टेप बाय स्टेप, पहले 1861 के अंदर, फिर 1892 के अंदर, फिर 1909 के अंदर, और फिर 1919 के अंदर। ये जो लास्ट टू हैं 1990 और 1909 वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि इन्होंने हकीकत में एम्पावर किया या नई रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर लेके आए। तो ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे एंड हो गया।